लेकिन यार ये बल्लेबाजी है, ये नंबर वन बनते हैं अपने आप में, ये रिजवान नंबर टू पे है, बाबर आजम नंबर चार पे, भाई वर्ल्ड कप कोई मजाक समझा रहा है वैसा वही हुआ है जिसका डर था। जिस तरह से मतलब आपने जिस तरह से ड्रामा निकाल के बोला पानी फिर चुका है भाई, देखे जितनी आपकी टीम की सलाहियत थी फाइनल के लिए यही बड़ी बात है यार। मैं आज तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सोच रहा था कि अगले साल तक कुटुंबे को नहीं छोड़ूंगा, तुझे माफ किया, क्या याद रखेगा बुद्धि के। 1992 का फ्लोट लगाया हुआ था हमारे साथ, और भाई वो ओडीआई था, ये टी20 मैच है। अब दुआएं अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, कुदरत का निजाम अपनी जगह, लेकिन जो टीम में खामियां हैं वो एक बार फिर सामने आई हैं, और वो बार बार सामने आई हैं। ये अलग यही शुक्र अदा करेंगे फाइनल में थे, वरना इस टीम में जितनी सलाहियत थी। एक बार रिजवान साहब बोल, बेशक यहाँ पे आप ना जहाँ से बोल निकली है उसके ऐसे करके पीले कर देनी है। हमारे इमोशन के साथ खेलते हैं ना, हमें फजूल की उम्मीदें देते हैं, आउट हो गया, आउट हो गया, हम जोश में आ जाए। म्यूजिक है, ट्यून है, पता नहीं क्या है, वो आईसीसी वाले बड़े हावी है, वो चलाते हैं आ आ आ। जब स्टार्टिंग में वो म्यूजिक चल रहा था ना, तो पाकिस्तानी फैंस भी यूं कर रहे थे आ आ। वही पुअर डिफेंसिव अप्रोच अगेन पाकिस्तान को कॉस्ट किया है उसने, और अगेन बाबर आजम की कैप्टेंसी जो है वो पाकिस्तान के लिए दर्द सर। पाकिस्तानी फैन भी लाएगा कोई बैंक बंद करवाओ इसे भाई। एक सिर्फ और सिर्फ हारिस प्रूफ लड़का, एक वो लड़का जो जिसको कहते जान लगा रहा था, नजर आता बॉलिंग में, फील्डिंग में एफर्ट डाल रहा है, वो बाबर आजम तो खुद हंस रहा था। पाकिस्तान ने आज अपने करोड़ों क्रिकेट फैंस को डिसअपॉइंट किया है, बैडली डिसअपॉइंट किया है, द डे जब हम उनसे उनकी सबसे बेहतरीन कारकर्दगी की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। लेकिन यार ये बल्लेबाजी है, ये नंबर वन बनते हैं अपने आप में, ये रिजवान नंबर टू पे है, बाबर आजम नंबर चार पे, भाई वर्ल्ड कप कोई मजाक समझा हुआ है। पिछला सेमीफाइनल हार गए, फाइनल हार गए एशिया कप का, फिर फाइनल हार गए। 1992 का फ्लोट लगाया हुआ था हमारे साथ, और भाई वो ओडीआई था, ये टी20 मैच है, तुमने तो ओडीआई समझ के क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। ये वर्ल्ड कप हमारा था, इसमें कोई शक नहीं था, अगर 20 स्कोर और ऊपर होते ना तो ये वर्ल्ड कप करता ना, करते क्यों नहीं किया। यही आज देखे ना, बेस्ट स्टोक ने क्या किया, बस वो खड़ा रहा, उसने कुछ भी नहीं खास किया, कोई खड़ा रहा, टाइम दिया बस, कोई खास इनिंग्स नहीं थी बेन स्टोक की, कुछ नहीं उसने किया, लेकिन क्या आपने रन सीनी बोर्ड पे किए थे, तो आपके जिसको कहते हैं उन्होंने आके आराम से चेस कर लिया। 170-160 होता तो उनपे इतना प्रेशर होता कि वो इतना कर ही ना पाते। अब्दुल्ला भाई बात सिंपल सी है, आप अमार का दारोमदार नियतों पे होता है, बेशक जैसी मर्जी हो जाए, आप शुरू से कह रहे हो, पहली बोल से चेहरों पे वो खुशी नजर ही नहीं आ रही, वो जज्बा नजर ही नहीं आ रहा। वो फाइट जो न्यूजीलैंड के खिलाफ में नजर आ रहा था ना, पता लग रहा था, वो नहीं पता लग रहा। एक सिर्फ और सिर्फ हारिस प्रूफ लड़का, एक वो लड़का जो जिसको कहते जान लगा रहा था, नजर आ रहा था बॉलिंग में, फील्डिंग में एफर्ट डाल रहा है, वो बाबर आजम तो खुद हंस रहा था। बाबर आजम जिसको कहते हैं कि उसको फिक्र ही नहीं थी, भाई फाइनल है ये, फाइनल। एक बार रिजवान साहब बोल, बेशक यहाँ पे आप ना जहाँ से बोल निकली है उसने ऐसे करके पीले कर देनी है। हमारे इमोशन के साथ खेलते हैं ना, हमें फजूल की उम्मीदें देते हैं, आउट हो गया, आउट हो गया, हम जोश में आ जाए, हमारा हार्ट फील इन्होंने करवाने, और क्या नहीं। देखो ना आज किस्मत हमारे साथ ही नहीं थी, कितने चांसेस बेन स्टोक को मिले हैं, कहाँ से बेन स्टोक बचा है। सीम शाह के ओवर्स में देखे कितना बचे हैं यार, वो आज पता है आज लक भी उनके साथ थी, लक यार नहीं, मैं मेरा सिर्फ दुख बड़े मैचेस में पता नहीं लग क्यों हमारे साथ नहीं होती। सिर्फ एक ही दुख है कि आप जिसको कहते हैं अपनी होम कंडीशन के अंदर सेमीफाइनल हार गए, आप किसी को उम्मीद नहीं थी कि फाइनल खेलोगे, फाइनल खेलने के बावजूद जीता हुआ फाइनल आप हार गए, आप सारे फेवरेट आप थे, हर चीज में जिसको कहते हैं पाकिस्तान का नाम आ रहा था, और पाकिस्तान ने क्या किया, जिसको कहते हैं सीधा मैच हार दिया, और माना कि बॉलिंग में हमने जान लगाई, लेकिन नहीं, जब आपके बल्लेबाज आपको सपोर्ट ही नहीं करेंगे, बॉलर ने बता दिया कि हमें कम से कम 160